बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नाबद हो या का नस्ताई। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फिलिस्तीनियों की हमायत के लिए निकले और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी आज निशानदेही की और उसकी मजम्मत की, मैं आपको सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जब से इसराइल बना, पाकिस्तान का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है और वो स्टैंड था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, हमारे अजीम लीडर का, कि फ़लस्तीनियों से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे। 27वीं रात को मैं मस्जिद नबी में था जब मुझे पता चला कि जो क़िबला अव्वल है मुसलमानों का, मस्जिद अल अक्सा, उधर जब 27वीं की मुकद्दस रात को लोग नमाज पढ़ रहे थे, जो इसराइल की पुलिस है उसने उनके ऊपर तशद्दुद किया। और साथ साथ फिर ये इसी चीज़ का भी इल्म हुआ कि जो फ़िलिस्तीनी फैमिलियाँ 70 साल से अपने घरों में रह रही थी, कई फैमिलीज़ को इसराइली सेटलर्स ने उनको घरों से निकाल दिया। इसकी वजह से एक नया इंतशार शुरू हो गया और फिर जो गाज़ा के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज है, तकरीबन 90 फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई जिसमें बच्चे मारे गए, तो मैं अगले दिन 27वीं का जो अगले दिन था, मैंने जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात की और उनको तब कहा कि OIC को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस में इशू को उठाना चाहिए। जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने किंग सलमान से बात की और उनसे भी यही हम बात की कि ये जो जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीनियों पे और जो अलक्सा में हुआ है, इसके ऊपर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दोगान, उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही। महातर मोहम्मद की मैसेज आई, कॉल आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही। और फिर मैंने बात की फ़िलिस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास, और उनसे हमने कहा कि हम पूरी तरह उनको यकीन दिलाए कि हम सब पाकिस्तान, बल्कि मुसलमान दुनिया, बल्कि वो सारी वो दुनिया जो इंसाफ में मानती है, वो सब उनके साथ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी को उसके बाद फिर मैंने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाएं और OIC और मुसलमान मेंबर से इस इशू को उठाएं, और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से इसको उठाया और मैं उनको दाद देता हूँ इसकी। मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ, मुझे एक बड़ी खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है, और वो क्या है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। मैंने इतना टाइम मगरब में गुजारा, पहले भी जब इसराइल की फौजें जुल्म करती थी फ़िलिस्तीनियों पे, तो मैं कभी मगरब के अंदर उनके अखबारों में, उनके मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस को मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करें, बल्कि वो सारे इसराइल को ऐसे होता था कि जैसे जुल्म इसराइल पे हो रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उनके अखबारों ने इसकी तनकीद की, उनके मीडिया ने इसकी तनकीद की और पॉलिटिशियंस ने खड़े होकर, कभी मैंने समझता था कि अमेरिका में वो इसकी इसराइल की तनकीद करेंगे और मगरबी ममालिक में। ये जो पब्लिक ओपिनियन तब्दील हुआ है, इसकी एक बहुत बड़ी एक और वजह है सोशल मीडिया। मेन मीडिया अगर कोई रिपोर्ट को रोकता भी है, कोई सेंसर भी करता है, तो सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोर्स आ गई है कि उससे अब कोई भी कम्युनिकेशन और न्यूज़ को रोक नहीं सकता। और इससे मुझे नज़र आ रहा है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। आज से 30 साल पहले इसी तरह तब भी दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ था। साउथ अफ्रीका, उधर एक ऐसी रिजीम थी, एक ऐसी गवर्नमेंट थी और बड़ी देर से, कई सालों से थी, जो नस्ल परस्त थी, जो एशियंस और अफ्रीकन्स को बराबर के शहरी नहीं समझती थी, और इनके साथ बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें खड़ी हुई थी इस नस्ल परस्त रिजीम के साथ। लेकिन जब दुनिया में पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ, तो यही जो ताकतवर कुव्वतें थीं, जो मुल्क थे, इन्होंने जोर लगा के साउथ अफ्रीका के अंदर उनको रिजीम के ऊपर, जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ऊपर, इन्होंने उनको मजबूर किया कि वो बराबरी के हकूक दें अफ्रीकन्स को और एशियंस को। इसी तरह का मैं एक शुरुआत देख रहा हूं कि इंशाल्लाह दुनिया का जो पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है,
मैं यही देख रहा हूं कि अब एक दुनिया का पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा, बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इसराइल को, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फलस्तीनियों को भी उनके हकूक दिए जाएं। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जबकि फलस्तीन के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा, एक मुनसिफाना सेटलमेंट मिलेगी, वो भी बराबर के शहरी रह सकेंगे जो कि फलस्तीनी इसराइल में रहते हैं, एक बराबर के शहरी बन के रह सकेंगे। और हम दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए, पाकिस्तान पाए।